बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू, दो सीटों पर होना है चुनाव। चुनाव आयोग ने की तैयारियां पूरी। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतदान 8 अक्टूबर को 35 जिलों के 50 प्रखंडों में होंगे चुनाव। लखीसराय में मतदान से पहले पुलिस ने किया हथियार तस्करी का खुलासा, पान की दुकान में छापेमारी कर हथियार बरामद, दुकानदार भी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर, कुशेश्वर साहब सीट पर सस्पेंस खत्म, चिराग गुट आज करेगा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी को टिकट, पूर्व विधायक जगदीश पासवान की पर पत्तो है अंजू देवी। तो आपको बता दें कि पर पत्तो है अंजू देवी, रामविलास पासवान के ममेरे भाई थे जगदीश पासवान। रेस में थे तीन नाम, इसमें अंजू देवी, गुंजन देवी और पूनम कुमारी के नाम शामिल थे। चिराग पासवान ने अंजू देवी को टिकट थमाया। सस्पेंस खत्म, कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर अब अंजू देवी उतर सकती है चुनावी मैदान में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से लड़ सकती है चुनाव। चिराग गुट आज करेगा नाम का ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको बता रहे हैं, पूर्व विधायक जगदीश पासवान की पर पतो है अंजू देवी और रामराज पासवान के ममेरे भाई थे जगदीश पासवान। रेस में तीन नाम थे जिसमें अंजू देवी को टिकट मिल सकता है। तो लोजपा पर सस्पेंस, लोजपा के कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। चलिए अब एक बार फिर से अभिषेक अपने सहयोगी से जुड़ते हैं। अभिषेक, क्या कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर सस्पेंस खत्म, अंजू देवी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं? हाँ, देखिए शर्मिला, जो जानकारी आ रही है, तीन नाम थे कुशेश्वर स्थान सीट के लिए, तीन जो महिला हैं प्रबल दावेदार थी, और इतना तो तय हो गया है कि कुशेश्वर स्थान सीट से चिराग पासवान महिला उम्मीदवार को टिकट देने जा रहे हैं। तीन महिला रेस में थी जिसमें अंजू देवी सबसे आगे हो गई हैं। डीटीवी भारत ने ये खबर चलाई थी, डीटीवी भारत ने ये बताया था अपने दर्शकों को कि पूनम कुमारी वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं जी, और चिराग गुट के सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी आई थी, इसलिए हमने अपने दर्शकों को बताया था। पूनम कुमारी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 13,000 वोट लाए थे पूनम कुमारी ने, वो चिराग गुट की उम्मीदवार थी, चिराग की पार्टी की उम्मीदवार थी, और सबसे बड़ी बात कि शहीद सैनिक की पुत्री हैं पूनम कुमारी, और वहां स्थानीय स्तर पर भी हमने कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की थी तो हमें यह पता चला था कि पूनम कुमारी का दावा मजबूत है, लेकिन अचानक शायद पार्टी ने फैसला बदला है। तीन लोग रेस में कुशेश्वर स्थान सीट के लिए, अंजू देवी, गुंजन देवी और पूनम कुमारी, जिसमें से अंजू देवी रेस में आगे निकल गई और उनका नाम फाइनल हो गया है, और शायद आज दोपहर के बाद या देर शाम तक इस बात पर, इस फैसले पर पार्टी मुहर लगा देगी। मुहर लग चुकी है, औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा चिराग गुट की तरफ से कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट से उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि तारापुर सीट की भी बात कर लेंगे। एक और सवाल मेरा ये है, कुशेश्वर स्थान को लेकर पहले बात कर लेते हैं, महिलाओं पर भरोसा जताने की वजह क्या है, क्योंकि तीन नाम आपने जो बताया है, तीन नाम रेस में शामिल थे और तीनों महिलाएं, और इसमें से अंजू देवी को पर भरोसा जताया, तीनों महिलाओं का ही नाम था, तो महिलाओं पर खास भरोसा जो है लोजपा का चिराग गुट क्यों जता रहा है? महिला उम्मीदवारों की उम्मीदवारी मजबूत है, और दूसरा बात है कि तीनों महिलाएं पासवान जाति से आती हैं, पासवान वोटों का वहां एक तरह से प्रभाव है, सबसे ज्यादा पासवान वोट हैं कुशेश्वर स्थान इलाके में, कुशेश्वर स्थान सीट पर, और वो निर्णायक भूमिका में है, वो जो वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका में है, और जाहिर है चिराग पासवान या उनका गुट, उनकी पार्टी इस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास खबर यही है
कि देर शाम ये नाम फाइनल हुआ है अंजू देवी का, और अंजू देवी रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके उनकी रिश्तेदार हैं एक तरह से, जो जानकारी हमें दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय स्तर पर हमने जानकारी जुटाई है, वहां के कई स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि अंजू देवी रामविलास पासवान के ममेरे भाई जगदीश पासवान जो 1995 में विधायक थे, तो पूर्व विधायक जो अब इस दुनिया में नहीं है जगदीश पासवान, उनकी परपतोहू हैं, यानी कि जगदीश पासवान के पौत्र की पत्नी हैं अंजू देवी, और उनके पति सरोज पासवान रेलवे में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं। अभिषेक, यहाँ पर चिराग गुट अक्सर ये दावा करता था कि परिवारवाद नहीं होता है, अक्सर हम उन्हें वोट उन्हें हम खड़ा करते हैं या उन्हें हम मौका देते हैं जो इसके हकदार हैं, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं परिवारवाद देख रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आप ठीक कह रही हैं, अगर अंजू देवी को टिकट दिया जाता है जैसी कि जानकारी हमारे पास है, और जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये नाम तकरीबन अब फाइनल हो चुका है, तो फिर पूनम कुमारी के जो समर्थक है वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर सकते हैं, और चिराग पासवान पर इस तरह के आरोप एक बार फिर लग सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात तारापुर को लेकर मैं बता दूं कि तारापुर सीट को लेकर भी हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत जल्द हम पूरी जानकारी दे देंगे, लेकिन तारापुर सीट से राजपूत उम्मीदवार को चिराग पासवान मैदान में उतारने जा रहे हैं। राजपूत उम्मीदवार पर चिराग पासवान ने भरोसा जताया है, और दो नाम लिस्ट में हैं, दो नाम रेस में हैं, और दोनों दिल्ली पहुंचे हैं, कल देर शाम दोनों दिल्ली पहुंचे हैं, यह भी जानकारी है हमारे पास। बिल्कुल, तो तारापुर सीट से भी अब सस्पेंस खत्म हो सकता है, अभिषेक हमारे सहयोगी ये दावा कर रहे हैं, और कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर तो अब सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है, नाम का आज ऐलान हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो आपको बता दें कि अब उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा की दो सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, और आज से कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीटों से नामांकन शुरू हो रहा है। प्रत्याशियों का पर्चा दाखिला 8 अक्टूबर तक चलेगा। बता दें आपको कि इन दोनों सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। दोनों के निधन से ये सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि तारापुर सीट से पूर्व विधायक और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे थे मेवालाल चौधरी, जेडीयू के विधायक थे, और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। वही दूसरी ओर भी कुशेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की बात कर ले तो वहां भी जेडीयू विधायक के निधन के बाद, शशिभूषण हजारी के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। चलिए बिहार पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, परिणाम भी सबके सामने आ चुके हैं। अब प्रत्याशी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल तीसरे चरण में बिहार के 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होना है, और ऐसे में सभी जिलों में प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए एक से बढ़कर एक प्रचार के तरीके अपना रहे हैं। 8 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान 6 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। वहीं तीसरे चरण का परिणाम 10 और 11 अक्टूबर को सामने आएगा। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कन्हैया को देशद्रोही बताते हुए कहा कि जो देशद्रोह की बात करता है उसे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया, और इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस देशद्रोह की पार्टी है। ना कन्हैया कुमार कुलप्स कुमार है, वो कुलप्स कर गया है, उसकी बात क्या करते हैं। कन्हैया कुमार जो देशद्रोही की बात करता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो खालिद अनवर की जयंती मनाता है, कन्हैया कुमार कोई मुद्दे नहीं है बिहार की। बिहार और NSUI की तरफ से दरभंगा के कर्पूरी चौक पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर हत्या करने के विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला गया।
साथ ही शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस मौके पर उपस्थित NSUI के राष्ट्रीय संयोजक और झारखंड के प्रभारी ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि के समर्थन में तीनों कृषि बिल के कानून को लेकर किसान लगभग 11 महीने से सड़कों पर है, लेकिन ये तानाशाह सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय उन्हें सड़कों पर गाड़ियों से कुचल रही है। पिछले 11 महीने से जो है लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर के आसपास बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के कानून पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है और ये जो काला कानून है किसानों के लिए, जो किसान हित में बिल्कुल भी नहीं है, उस कानून को जबरदस्ती मनवाने की जो कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट उसके लिए आवाज उठाया है। और दूसरी चीज, कल जो लखीमपुर खीरी में हुई घटना, वो सिर्फ किसानों पे गाड़ी नहीं चढ़ाया गया बल्कि लोकतंत्र पे, पूरे लोकतंत्र पे गाड़ी से रौंद दिया गया है उनको। अगर कोई ये कहता है कि किसान मारा गया है तो किसान नहीं मारा गया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है और ये लोकतंत्र का हनन है। यहाँ पे आने का एक मकसद है कि 11 महीने से हमारे किसान आंदोलन में लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, न केंद्र सरकार में न उनकी कोई इन्फॉर्मेशन है, न कुछ खबर ले रहे हैं, न कुछ देख रहे हैं। पूरी दुनिया की टूर कर सकते हैं वो, लेकिन वो जाके गरीब किसान जो हमारे अन्नदाता है वो उनसे जाकर के वो मिल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। क्या मुर्की, जहां जिले के दुर्गावती पुलिस ने अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल हाल ही में दुर्गावती थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोर के द्वारा चोरी कर ली गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्गावती थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद चोरों की गिरफ्तारी हुई। और ना देखो, आलू पीस ही नहीं करते हैं। और पटना सिटी में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, आए दिन आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खाजेकला थाना क्षेत्र की है, जहां एक बाइक सवार को अपराधियों ने गोली मार दी और हत्या कर दी और पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक को अपराधियों ने बैक टू बैक 5 गोलियां मारी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ये लड़का क्या है, क्या है जावड़ा जी? देखिए, ये जो व्यक्ति था ये अपनी पत्नी से अलग होकर रह रहा था 6 महीने से। एक और औरत है रानी कुमारी, उसी के साथ ये रह रहा था 6 महीने से। उसका तो पहले शादीशुदा है, तो अभी हम इसी एंगल पे काम कर रहे हैं कि मैं भी किसी चीज़ को लेकर कोई राइवलरी हो, और ऐसे और अन्य बिंदुओं पे भी हम संधान कर रहे हैं। कितनी गोलियां मारी गई है सर, क्या जानकारी दी? 4 या 5 गोली मारी गई। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये कौन जगह है? मेहदीगंज का द्वारा मिला था जानकारी कि आपका भाई के गोली मार दिया गया। अच्छा, तो हम दौरल पहले यहाँ आए तो यहाँ देखे कि वो डेट कर चुका। अच्छा, और अभी बाकी पूरे जानकारी हम क्या करते थे भाई आपके? हमने देखा यहाँ पर उनका लास्ट भाई का पड़ा हुआ है। काम क्या करते? काम क्या? काम अभी कुछ नहीं, प्लास्टिक का दाना उना तैयार करते थे। और आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा। जानकारी के अनुसार मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख गांव निवासी पप्पू पासवान की 12 साल की बच्ची खेलने जा रही थी, तभी अचानक बच्ची का पांव पानी में जा गिरा, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिली थी कि बच्ची डूब गई है, सत्यापन के लिए आए अमरख गांव में। 10 साल की लड़की निधि कुमारी, कागजी प्रक्रिया पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या हुआ? खेलने में गए होंगे, जा रहे थे, गोर छहल गए थे सर, पिछल के गिर गया। हम लोग खोज रहे थे निधि कुमारी। कितना उम्र था? उम्र 12-13 साल था। और बगहा में सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत
किसानों के लिए पौधा लगाया जाता है ताकि पौधा लगाने से पर्यावरण शुद्ध रहे और किसानों को उस पौधा लगाने के एवज में पौधे के रखरखाव हेतु महीने में पैसे दिए जाते हैं ताकि किसान सही तरीके से पौधों को विकसित कर सके। लेकिन अब इस योजना में भी धांधली शुरू हो गई है, जहां बताया जा रहा है कि 50% पौधा सूख गया है और इसीलिए किसानों को उसके एवज में अब रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं डीपीओ के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मठिया पंचायत में हम आए हुए हैं, ये शिकायत करता थे और इसके द्वारा जिंगा से हमको ये कहा गया था जांच करने के लिए। हम आए हुए हैं और दोनों स्थलों पर हम अपने टीम के साथ, जिसमें एई भी यहाँ शामिल है, प्रोग्राम ऑफिसर भी शामिल है, हम लोगों ने तथ्य को देखा, स्थल निरीक्षण किया है और हम लोग जो फैक्ट फाइंडिंग करके जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग जो तथ्य के हिसाब से हम लोग करेंगे। और किसी भी तरीके किसान कहीं पर भी हो, हम लोग इस तरह के कोई भी कहीं गड़बड़ी होगी तो उसको सुनिश्चित करेंगे कि उसको ठीक ठाक किया जाए। उसके बाद हमारे पास जो तथ्य है उसके तथ्य के हिसाब से हम लोग उस पर उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। जिंगा के द्वारा कहीं भी कोई भी दोषी कहीं किसी स्तर पर हो तो उस पर हम लोग कहीं पर भी कोई रियायत देने वाले नहीं है, उस पर उचित कार्रवाई होगी। बस तथ्य जो है, हम लोग तथ्य की जानकारी लेने आए थे कि स्थिति की क्या वस्तु स्थिति है। मैंने पौधा लगाया था सागवान का मनरेगा से और 24,000 रुपया घूस नहीं देने के वजह से मेरे एक साल का, दो यूनिट में एक साल का भुगतान नहीं किया गया है पंचायत रोजगार सेवक द्वारा। घूस कौन मांगा आपसे? पंचायत रोजगार सेवक। क्या नाम है उसका? उपेंद्र तिवारी। शिकायत आपने की थी? जी हाँ, मैं डीएम साहब को किया है, डीडीसी महोदय को किया है, जिसके आधार पर जांच होने आया है। कौन आए थे जांच करने? डीपीओ साहब आए थे और पौधे का जांच भी हुआ है। क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि मैं जांच किया हूँ, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो हमको होगा करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर कटिहार से है, जहाँ भीषण सड़क हादसा हुआ है। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की कटिहार से आ रही है, जहां ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुआ है और इस हादसे में हम आपको बता दें कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से हम आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में कार सवार एक शख्स की स्थिति गंभीर है, 3 लोगों की मौत हुई है। कोढ़ा थाना के NH 31 की ये घटना है, जहाँ बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कटिहार में ट्रक और कार में भीषण टक्कर और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में कार सवार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। भीषण सड़क हादसा कटिहार में हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर देश के कई राज्यों में बवाल है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस CPIM के द्वारा बीजेपी पर हमला बोला गया। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। सरकार एकदम निरंकुश है, हत्यारी सरकार हो गई है। निहत्थे किसानों पर बर्बर तरीके से गाड़ी चढ़ा करके रौंद दिया गया, ये दर्शाता है कि हिटलरशाही सरकार का पुनः आगमन इस सरकार में, इस वर्तमान व्यवस्था में हुआ है। और उसी के खिलाफ में आज वाम दल के लोग साक्षी के गोल चक्कर पर योगी का पुतला जला करके विरोध। और चतरा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB की टीम ने 25,000 रुपए घूस लेते हुए SDO के स्टोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हंटरगंज के निलंबित PDS लाइसेंस को निलंबन मुक्त कराने के लिए स्टेनो PDS दुकानदार से बतौर 25,000 रुपए घूस ले रहे थे। मामले में ACB के DSP ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद स्टेनो को ACB की टीम ने हजारीबाग ले गई है और ACB SP किशोर कौशल ने इस बात की जानकारी दी है।
चलिए एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। जी हां, जेडीयू से प्रत्याशी अमर भूषण हजारी आज कुशेश्वर स्थान सीट के लिए नामांकन करेंगे। बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक उनके नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बिरौल अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीट पर आज सीटों को लेकर कुशेश्वर स्थान की सीट को लेकर जेडीयू से प्रत्याशी अमन भूषण हजारी नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि अमन भूषण हजारी के पिता के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अमन भूषण हजारी को वहां से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। बिरौल अनुमंडल कार्यालय में आज नामांकन होगा और नामांकन के दौरान कई मंत्री कई जेडीयू के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर जेडीयू के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे अमन भूषण हजारी। आज नामांकन करेंगे उनके पिता जो जेडीयू से विधायक थे शशि भूषण हजारी, उनके निधन के बाद वो सीट खाली थी। चलिए दरभंगा से हमारे सहयोगी एमएच खान जुड़े हुए हैं। एमएच, क्या कुछ अधिक जानकारी है आज कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे? जी, जेडीयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी कुशेश्वर स्थान 78 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से नामांकन करने की तैयारी उनके आवास पे हो रही है और यहाँ से वो लोग कुछ ही घंटों में वो लोग यहाँ से निकलेंगे और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि 12 बजे तक वो जहाँ पे नामांकन होना नामांकन स्थल पर वो लोग पहुँचेंगे और नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी की जाएगी। और आपको बता दें शशि भूषण हजारी जो पूर्व विधायक जेडीयू से थे और उनकी पत्नी का कोरोना काल की दूसरी लहर में मृत्यु हो गई थी, मृत्यु उसी के उसके बाद से ये सीट वहाँ से खाली चल रहा था, जिसको लेकर के ये उपचुनाव है और वहाँ नामांकन जारी है और वहाँ मतगणना नामांकन लगातार हो रही है और कई दल से नामांकन करने जा रहे हैं। आपको जानकारी भी होगा जन अधिकार पार्टी भी वहाँ ताल ठोक रही है। बिल्कुल, कई पार्टियों के उम्मीदवार वहाँ ताल ठोक रहे हैं। और आप भी आज की बात कर ले तो जेडीयू के प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर सरायकेला की, जहां जिला के तिरुलडीह थाना क्षेत्र में नदी से एक अज्ञात शव को बरामद किया गया है। तिरुलडीह पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। चांडिल डैम के किनारे में एक अज्ञात लाश मिला है जो डैम में झाड़ियों में फंसा हुआ था, उसको निकाल करके किनारे लाया गया है जिसे पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेजा जाएगा। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।